मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ उस देश का गुलिस्ता क्या रोशन होगा जहाँ हर डाल पे लूटने वाला लुटेरा बैठा है। और अक्सर कोई ना कोई फैक्ट देता रहता हूँ, पेपर लीक हुआ, कहीं पे क्या इंसिडेंट हुआ, और अब मैंने 2-3 दिन पहले किया भी था वो जो एक्सीडेंट हुआ था, कई लोगों ने बोला ठीक है। और अभी रिसेंटली इस समय क्या चल रहा है, नीट स्कैम 2024। बहुत बच्चों ने मैसेज किया है कि भैया इसको थोड़ा सा इसमें वीडियो बनाइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक अपने देश में पेपर लीक होने की तो एक परंपरा ही बन गई है। कभी टीचर का पेपर लीक कर देते हैं, कभी UPSC का पेपर लीक कर देते हैं, कभी पुलिस का पेपर लीक कर देते हैं, और कभी कभी तो IIT का 7 परसेंटाइल वाला लड़का 100 परसेंटाइल ले आता है। तो ये अपने देश में कोई नई बात रही नहीं है। लेकिन मुद्दा तब बनता है जब टॉप एग्जाम, जो अपने देश के सबसे अच्छे एग्जाम माने जाते हैं, उन्हीं का पेपर लीक हो, तो बोलने से खुद को हम रोक नहीं पाते। क्योंकि अगर अपने देश में जो सबसे अच्छे लोग हैं बोल सकते हो, या जो वो लोग हैं जो पूरे देश को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उन्हीं के साथ खिलवाड़ होने लगा, वहाँ पे ही पैसा लेके लोगों को बैठाया जाने लगा, तो अपना देश गया। और यही केस चल रहा है NEET 2024। नीट से डॉक्टर बनते हैं और नीट के ही साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नीट के एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है 2024 में। तो सच बताऊं तो मैंने भी इसमें अच्छे से रिसर्च की, तब मुझे लगा कि हाँ इसमें स्कैम हुआ है, डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है इसमें हुआ है। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं और एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा और आपको पूरी जानकारी दे के जाऊँगा, पूरा का पूरा एक्सपोज करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिक होता क्या है कि 5th मई को नीट का पेपर रहता है। अब नीट क्या होती है थोड़ा सा जान लो। नीट बेसिक 12th के बाद एक पेपर होता है जिसको देकर के MBBS करते हैं, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। इसमें 180 क्वेश्चन आते हैं, 720 नंबर का होता है, और इसके लिए बच्चे बहुत तगड़ी तैयारी करते हैं और 4-4, 5-5 साल तक लगे रहते हैं, तब उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है सर जी, अच्छी अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद हुआ क्या, बिहार में जो पेपर करवाने वाले लोग थे और उसके साथी मिल करके एक पेपर को लीक करते हैं नीट के 40 लाख रुपए में। और होता क्या है कि उसकी FIR की कॉपी बिहार के ही पुलिस स्टेशन की वायरल हो रही होती है, जो कि आपको साइड में दिख रही है। इसमें खुद एक्सेप्ट किया गया है उन लोगों द्वारा कि हाँ हमसे पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद पुलिस क्या करती है, एक बच्चे से पूछताछ करती है, तो बच्चा खुद बोलता है हाँ मुझे 4th मई को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को मुझे पेपर मिल गया था, उसके सारे के सारे क्वेश्चन मुझे अगले दिन पेपर में देखने को मिले हैं। ये रहती है 4th मई की बात। लेकिन जब ये बात ज़्यादा वायरल होने लगती है तो इस बात को NTA, जो कि एग्ज़ाम करवाता है नीट का, NTA मीन्स नेशनल टेस्ट एजेंसी, ये इस चीज़ का खंडन कर देती है, इस चीज़ को रोक देती है ये कह के कि ऐसा कुछ नहीं है, नीट का पेपर पूरा का पूरा प्योर तरीके से हुआ है, 100% इसमें कोई गलती नहीं है। सारे लोग ठीक है नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल था। एक पॉइंट आप ये भी ले सकते हो क्यों नज़रअंदाज किया गया था। लेकिन नीट का रिजल्ट आना रहता है 14 जून को। कब? 14 जून को रिजल्ट आना रहता है। 4 जून को काउंटिंग रहती है इलेक्शन की, कि अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, किसकी पार्टी जीतने वाली है, अपने यहाँ पे 4 जून को ये काउंटिंग रहती। सबको पता रहता है कि उस दिन पूरा का पूरा देश बिजी होगा चुनाव में, सारी चीज़ें छोड़ करके, क्योंकि भैया चुनाव है तो अपना देश है, भविष्य है। इसी चक्कर में NTA का पता नहीं क्या दिमाग चलता है कि वो 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। चलो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अभी कोई इशू नहीं है, उस दिन सारे लोग बिजी रहते हैं, उधर किसी भी न्यूज़ एजेंसी का ध्यान नहीं जाता है, बस जाता है तो कुछ बच्चों का, और मैसेज आना हमारे पास स्टार्ट हो जाता है कि भैया नीट में कुछ ना कुछ धांधली हुई है, वो जो बात वायरल हो रही थी वो एकदम करेक्ट है। अब ये देख करके हम लोग रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार क्या हुआ है, बच्चे इतना मैसेज क्यों कर रहे हैं, मेरे पास खुद बहुत मैसेज आए। अगले दिन चुनाव का माहौल शांत होता है, पार्टियां जितनी जिसको सीट मिलनी रहती है मिल चुकती है। उसके अगले दिन से जब ध्यान आता है नीट पे, तो सारे न्यूज़पेपर वाले, सारे चैनल वाले इस चीज़ को कवरेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैटर क्या है मैं बताता हूँ, हम लोग एक एक पॉइंट की बात करते हैं कि किस बेसिस पे लोग कह रहे हैं कि नीट पे, कि नीट के रिजल्ट पे स्कैम हुआ है या NTA ने स्कैम किया है नीट के एग्जाम के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, 2022 में देखें तो तनिष्का नाम की लड़की का 715 नंबर रहता है 720 में। टोटल नंबर रहते हैं नीट में 720,
तनिष्का नाम की लड़की का टॉप करती है, फर्स्ट रैंक आता है 715 नंबर के साथ, ठीक है। बेसिक चार लड़कियों, चार बच्चों का और रहता है, लेकिन तनिष्का को टॉपर बनाया जाता है 715 नंबर के साथ। किसी भी बच्चे का पूरे में पूरा मार्क्स नहीं आया, पॉइंट नोट करना। 2022 में, 2023 आता है, 2023 में दो बच्चों का पूरे में पूरा नंबर आता है। चलो ठीक है, इतना तक हजम कर लेंगे कि बच्चे पढ़ते हैं, दो चार पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ते हैं। उनका पूरे में पूरा नंबर आता है, एक तमिलनाडु का रहता है, एक आंध्र प्रदेश का रहता है, वारोकर के नाम रहता है उनका, आता है 720 में से 720 नंबर, फुल में फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, और इसमें थोड़ी सी एक बात और जानो, या तो किसी का 720 में 720 आएगा या तो फिर 715 आएगा। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन चार नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन चार नंबर का होता है, अगर वो गलत होता है तो एक नंबर कटता है, अगर सही होता है तो चार नंबर ऐड होते हैं। तो या तो किसी का 716 आएगा या तो किसी का 715 आएगा, लेकिन किसी का 718 719 नहीं आएगा। कैसे? जैसे किसी ने कुछ सपोज दैट 179 क्वेश्चन कर लिए, तो उसका कुछ उसका नंबर आ जाएगा 716, क्योंकि एक क्वेश्चन उसने छोड़ दिया है तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसने उसको गलत कर दिया, एक क्वेश्चन को गलत कर दिया, बाकी सही किए, तो उसका एक नंबर कटेगा 716 से 715 आ जाएगा, लेकिन 718 719 नंबर आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। पहला पॉइंट तो आपको समझ आया कि 2022 में किसी भी लड़के का या लड़की का फुल में फुल नंबर नहीं आया, चलो ठीक है, तनिष्का का 715 नंबर आया, ठीक है। 2023 के रिजल्ट में दो बच्चों का फुल में फुल नंबर आता है, ठीक है। लेकिन 2024 में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, 67 बच्चों का फुल में फुल नंबर आता है। कितना फुल में फुल नंबर आता है? जितना कि जितने का एग्जाम होता है उतने नंबर उनके आ जाते हैं, 720 में 720 नंबर पूरे। पहली बात तो यही, किसी को हजम ही नहीं हो रही, डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। सर ये पॉसिबल ही कैसे है कि पूरे के पूरे नंबर उनके आ जाएं? पहली बात तो यही हो गई। दूसरी, चलो ठीक है, आ गई आ गई। दूसरा पॉइंट ये है, जो इन बच्चों में टॉप किए हैं, जिनका ईयर वन आया है, उसमें 62 से लेकर के 69 तक के बच्चों का जो उनका रोल नंबर है और एग्जाम सेंटर वो सेम है। एक ही सेंटर के 7 बच्चे फुल में फुल नंबर आ रहा है, समझ रहे हो? और सेम सीरियल के, मतलब जैसे एक का 62, एक का 62, एक का 63 है, 63, 64, 65, इनका फुल में फुल नंबर आया है और उन्होंने पूरा नंबर गेन किया। दूसरा डाउट यही है कि भैया पूरे के पूरे टॉपर एक ही सेंटर में एग्जाम देने चले गए थे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये बात कहाँ की है? बिहार में, याद करो, बिहार में ही पेपर लीक होने की बात आती है, और बिहार में ही एक ही सेंटर में 7 बच्चे टॉप करते हैं फुल में फुल नंबर। दूसरा डाउट लोगों का। तीसरा डाउट, हर बार कोई ना कोई कोचिंग, सपोज दैट किसी का 715 आता था, 720 आता था, तो उनको कोई ना कोई कोचिंग बोलती थी कि ये हमारे यहाँ के पढ़े बच्चे हैं, हमारे यहाँ के पढ़े बच्चे हैं, एक दो बच्चों का जो रहता था वो बोल देती थी कोचिंग। इस बार टोटल 30 बच्चों का लेकर के, जैसे 30 स्टूडेंट जो एयर वन के, एयर वन कितने बच्चे पाए हैं? 67 बच्चे एयर वन लाए हैं, उसमें से सिर्फ 30 बच्चे किसी ना किसी कोचिंग से जुड़े हैं। 30 बच्चे, बहुत सारी कोचिंग है उसमें से जुड़े हैं, लेकिन बचे 37 स्टूडेंट, जो 37 स्टूडेंट हैं उनको कोई कोचिंग क्लेम ही नहीं कर रही है कि वो मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं। सिर्फ 30 स्टूडेंट कोचिंग के हैं, किसी न किसी कोचिंग से जुड़े हैं। बहुत सारी कोचिंग हैं, कोटा में हैं, हर जगह पे हैं, यहाँ पे भी हैं प्रयागराज में, तो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि 30 बच्चे ही उन कोचिंगों से जुड़े हैं सारी कोचिंगों को मिला के। तो 37 बच्चे और कहाँ से आ गए भाई? वो किसी कोचिंग में पढ़े ही नहीं, तो उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? तीसरा पॉइंट ये हुआ। चौथा पॉइंट, NTA ने बोला था कि हम लोग रिजल्ट 14th जून को डिक्लेयर करेंगे, तो इन्होंने चुनाव के बीच में क्यों जारी कर दिया? 4 जून को रिजल्ट क्यों जारी कर दिया? चौथा डाउट। अब ये सारे डाउट देख करके यार एक चीज तो क्लियर हो रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर हुई है दया। और हाँ, एक पॉइंट इसमें ये मिस हो रहा है कि सपोज दैट किसी बच्चे का 720 आया, 720 आया, 720 वाले को ही एम्स नहीं दिया जा रहा है, मतलब टॉप क्लास का कॉलेज नहीं दिया जा रहा है, एक रैंक वाले को ही, जो फर्स्ट रैंक होल्डर है उसको ही एम्स नहीं दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? यही सारी चीज़ें लेकर के दिमाग में लोगों के घूम रही है कि कुछ ना कुछ स्कैम तो हुआ है दया, और नो डाउट हुआ है स्कैम। तो ये सारा का सारा मैटर था। अब देखते हैं इसमें NTA क्या करती है। बाकी आप लोग शेयर करो इस वीडियो को, जिससे हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुँच जाए,
क्योंकि मैंने पूरा फैक्ट आपको आपके सामने रख दिया है और अब लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी, तभी लोग थोड़ा जागरूक होंगे। और एनटीए की कोशिश है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो री एग्ज़ाम करवाए और इस रिजल्ट को रद्द करे, अदरवाइज बहुत बड़ी हानि होने वाली है। क्योंकि नीट एक अच्छा एग्ज़ाम है और यहीं से डॉक्टर बनते हैं, का पूरा इकोनॉमी, पूरा का पूरा हेल्थ यार इन्हीं के आसपास रहता है। और इसी में अगर फ्रॉड होने लगा तो हमारा देश गया ना सर। पहले ही अपने देश में कैंसर का हब, टीबी का हब, पता नहीं किस किस चीज़ का हब हो करके बैठा है डॉक्टरों की कमी की वजह से। और अगर ऐसा और डॉक्टरों के साथ हो गया ना, उसमें और ये फ्रॉड लोग पहुँच गए, तो ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने बोला ना कोविशील्ड लगवाने को हार्ट अटैक का खतरा है, तो ऐसे ही फिर से बनेंगी वैक्सीनें। क्यों? क्योंकि सब फ्रॉड लोग, क्योंकि सारे के सारे फ्रॉड लोग लेकर के वहाँ पहुँचेंगे, और जब वो लोग डॉक्टर बनेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे। पूरा का पूरा मैटर एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। अमन भैया हमेशा तुम्हारे साथ हैं और कोशिश है कि इसमें जल्दी जल्दी सुनवाई होगी। एनटीए को टैग करो, शेयर करो वीडियो को। तो और चलते चलते लाइनें कुछ ऐसी हैं कि बदलाव की चिंगारी निकलनी चाहिए, आग मेरे दिल में, आपके दिल में, सबके दिल में एक साथ ही लगनी चाहिए, और मेरे अकेले आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला, और मेरे अकेले आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने वाला, आप सब की जवान भी तो मेरे साथ खुलनी चाहिए। तो चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ गाइस, मैं आपसे बोला था जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर थे कि मेरे जैसे ही 100 के होते हैं तो बहुत कुछ होने वाला है। तो मैंने एक चैनल क्रिएट किया है जिसमें सारी की सारी बातें फैक्ट के बेस पे होंगी, पढ़ाई के बेस पे होंगी। क्योंकि आजकल अपने देश में, अपने देश के बारे में वो लोग ज़्यादा बोलते हैं जो अपने देश में ना तो पढ़े हैं ना तो रह रहे हैं, दूसरे देश में बैठ करके इंडिया के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, हम आज तक अगर देखें अपने आसपास के सांसद को, तो वो अपने बच्चे खुद पढ़ा रहे हैं विदेश में और वो विकास करने को वह कहते हैं हमारे देश में। तो यार मैं ये चैनल इसीलिए क्रिएट किया यार कर रहा हूँ एज अ एनजीओ, कि ये चैनल फाइट करेगा सारे लोगों के लिए, कि जो लोग इंडिया में रह के अपने बच्चे विदेश में पढ़ाते हैं और अपनी खुद एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये चैनल उसी लिए है कि इसमें से आवाज़ उठाई जाएगी। अगर आप लोग मिल करके मेरे साथ एक टीम की तरह काम करना चाहते हो तो आप लोग ये चैनल ज्वाइन करो और मिल के बदलते हैं इस भारत को और अपने आसपास के लोगों को। क्योंकि अगर देखा जाए तो सांसद हो, विधायक हो, अपने बच्चे को तो विदेश में पढ़ाता है, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, अपने एजुकेशन सिस्टम को वो लोग खुद दोषी मानते हैं और बोलते हैं कि हम चेंज करेंगे। तो हम मिल करके चेंज करते हैं सिस्टम को, और बहुत बातें होंगी उस चैनल को जाकर के आप लोग ज्वाइन करो। अभी मजा आएगा ना गुरु, अब गांव वाले हुए हैं शुरू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। आप लोग मेरे साथ हो इस लड़ाई में तो मेरे उस चैनल को ज्वाइन करो, साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे। मैं बहुत ऐसे लोगों को बिठाने वाला हूं जो मेरी तरह फाइनेंशियली वीक है, और सारे लोग मिलकर के हम लोग स्टडी करेंगे और सारे लोग मिलकर काम करेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन किए दे रहा हूँ, या तो कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ।